हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए फिर से एक VFX वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी यह वाली वीडियो बनानी है तो आपको हमारी वीडियो ये वाली वीडियो जरा भी स्केप नहीं करनी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनानी वाली वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं काइन मास्टर का प्रो मोड यूज करता हूँ। अगर आपको मेरा वाला प्रो वर्जन काइन मास्टर का चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद जब अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ बीच में एक प्लस का आइकन आएगा, तो आपको प्लस वाले आइकन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे तीन एब्सैक्ट रेशियो मांगे जाएंगे। तो दोस्तों आप सबको पता है अपने टिकटॉक का जो रेशियो है वो 9:16 है, जो बीच वाला है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको मीडिया पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया पर क्लिक करते हो तो यहाँ एक फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आपको बैकग्राउंड में चले जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो आपका बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा, तो आप अपने नीचे वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और इसके ये येलो वाला पार्ट है इस पर क्लिक कर इसको स्क्रॉल कर लीजिए 15 सेकंड तक। 15 सेकंड इसको बड़ा करने के बाद फिर राइट साइड के कॉर्नर पर एक राइट का ऑप्शन है, यहाँ से आपको राइट करना है और दोस्तों इसको स्क्रॉल कर दोबारा स्टार्टिंग में आ जाना है। अब दोस्तों मैंने आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाने के लिए आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक लेयर का ऑप्शन है ये वाला, तो आपको इस लेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो यहाँ फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है मीडिया का, तो आपको मीडिया में चले जाना है। और दोस्तों वो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो आपकी जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप अपनी वीडियो लेके आएंगे, जैसे अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा वीडियो का, तो आप देखेंगे नीचे वीडियो के कॉर्नर पर एक एरो का निशान है, तो आप एरो पर क्लिक कर इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए। वरना दोस्तों सीजर के बराबर में एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इस वाइट वाले पर क्लिक कर लीजिए, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। अब यहाँ से आपको राइट कर देना है और दोस्तों स्क्रॉल कर एकदम लास्ट में आ जाना है जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है, पहले वहीं से अपने आप को बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है। बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए तो आपको वहीं अपने ये सीजर को रखना है, ये जो है रेड वाला, उससे आगे का बैकग्राउंड काटना है, तो वहीं से अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। जैसे आप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो आपके राइट साइड में एक सीजर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सीजर में जाना है। जैसे आप सीजर में जाएंगे तो यहाँ सेकंड में ही ऑप्शन आएगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट, तो आप यहाँ से उसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट कर दीजिए, तो वहाँ से आपके आगे का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है और दोस्तों स्टार्टिंग में आ जाना है फिर से, जहाँ पर आपकी ग्रीन स्क्रीन आता है ये वाला, वहीं से अपनी आपको ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करते हो तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की में जाना है और यहाँ से इसको अनेबल कर देना है, ये अनेबल का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पर ब्लू कलर है, उसकी वजह से मेरा ग्रीन स्क्रीन नहीं हटा है। तो दोस्तों आपका यहाँ कोई भी कलर हो उसकी जगह आपको ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है जो ग्रीन कलर है, फिर उसको यहाँ से आपको राइट कर देना है। तो दोस्तों देखिए मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है, अब आपको यहीं से अपनी वीडियो को फिर राइट कर देना है। और दोस्तों आपको अपनी वीडियो में एक जगह सर्च कर लेनी है ये वाली। अब दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि आपको कुछ ऐसी एक्टिंग कर एक वीडियो शूट कर लेनी है जैसे मैंने एक्टिंग की थी। मुझे उम्मीद करता हूँ आप मेरे से अच्छी वीडियो शूट कर लोगे। अब आपको अपनी वही वीडियो लेके आनी है जो आपने अपने कैमरे से शूट करी है, तो उस वीडियो को लाने के लिए आपके राइट साइड में फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करेंगे तो फिर से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद अब दोस्तों वो वीडियो आपकी जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
जब आप अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे यूज कॉपी का एक ऑप्शन आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का टाइमिंग लेना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर लोडिंग लगेगी। दोस्तों मैंने अपनी पहले वीडियो यूज कर ली है, उसकी वजह से मेरे कॉपी नहीं आया। दोस्तों आपके लिए, आप जब वीडियो अपना क्लिक करके लाएंगे, जैसे यूज पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोडिंग लेने लगेगा, पर दोस्तों आपको थोड़ी देर वहाँ वेट करना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपकी वीडियो आ जाएगी तो यहाँ से आप इस एरो पर क्लिक कर अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए, जैसे भी आप अपने वीडियो को एडजस्ट करना चाहते हो। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है, और दोस्तों अब अपनी वीडियो को यहाँ से एक बार वीडियो पर क्लिक कीजिए और थ्री डॉट में जाइए, लेफ्ट साइड में जो थ्री डॉट है, और यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिए। अब आपको यहाँ से राइट कर अपनी वीडियो प्ले कर लेनी है एक बार। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मेरी वीडियो बड़ी है तो मेरे पीछे भी ग्रीन स्क्रीन, तो मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को यहीं से कट कर लेता हूँ, बीच में से वीडियो कट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है और राइट साइड में फिर से सीजन में जाना है। सीजन में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट ऑफ हट एट, यहाँ पर जो लास्ट वाला है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों दो भागों में आपकी वीडियो डिवाइड हो जाएगी। अब आपको यहाँ से राइट करना है और अपनी वीडियो पर क्लिक करके रखना है, जो दूसरी वाली कट गई है पीछे वाली, उस वीडियो पर क्लिक करके रखेंगे तो कुछ उठा के आपको कुछ ऐसे पीछे रख देनी है वीडियो को। पीछे रखने के बाद आपको अपनी फिर से इसी वीडियो पर क्लिक करना है जो आपने कट करी है, और फिर से थ्री डॉट में जाना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ से भी इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब आपको आपको यहाँ से राइट कर एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर देख लेना है यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो बनकर एकदम रेडी हो गई है। जब आपकी वीडियो पूरी बनकर हो जाएगी तैयार, तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको शेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, तो आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये कुछ लोडिंग लेने लगेगा, जैसे आपकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में।